ओके तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ये आपके पास चैप्टर नंबर 2 है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और ये क्लास 9 का चैप्टर है। तो हमारी कोशिश ये है कि 9 क्लास के हिसाब से जितना स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को डील किया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डील किया जाएगा, उस लिहाज से मेरी पूरी भरपूर कोशिश है आपको सिखा दिया जाए। मेरा नाम है हमजा आसिफ एंड वेलकम टू आवर क्लास। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला चीज़ हमारे पास एटम के कुछ इंट्रोडक्शन के हवाले से बातें करते हैं। एटम के बारे में जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट हमारे पास स्टार्ट हुआ था एक साइंटिस्ट, एक ग्रीक फिलोसोफर के नाम पे, और उस ग्रीक फिलोसोफर का नाम है डेमोक्रेटस। जी, डेमोक्रेटस के नाम के ऊपर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, या इस तरह समझे कि एक ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, और वो कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास जो भी एटम्स हैं वो बेसिकली इनविजिबल इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स हैं। इसका क्या मतलब है? डेमोक्रेटस ने ये बात सजेस्ट करी, या उसका सजेशन ये था कि हमारे पास एटम जो है वो एक्चुअल में एक मैटर का कंपोज पार्ट है, यानी ये हमारे पास ऐसा पार्ट है जिससे मैटर मिलके बना हुआ है। मैटर क्या चीज़ होती है स्टूडेंट? मैटर हमारे पास हर वो चीज़ होती है जो जगह घेरे और वजन रखे। तो हमारे पास इसने क्या इंट्रोड्यूस कराया कि हमारे पास मैटर जो कंपोज्ड है वो बहुत ज़्यादा टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स को मिला के बनाया गया है। टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स को मिला के हमारे पास क्या बना है? एटम। यानी उसका जो मेन कॉन्सेप्ट था एटम के बारे में वो कुछ इस तरह से था कि सबसे छोटा पार्ट किसी भी मैटर का वो क्या कहलाया जाएगा? एटम। आगे चल के ये बात थोड़ी सी रॉन्ग साबित हो गई, बल्कि काफ़ी हद तक रॉन्ग साबित हो गई। यानी वो ये कहना चाह रहा है, लेट सपोज ये हमने आपके सामने एक मैटर ड्रॉ किया, तो वो कह रहा है इस मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा हमारे पास वो स्मॉलेस्ट पार्ट क्या कहलाएगा? वो स्मॉलेस्ट पार्ट हमारे पास कहलाएगा आसान अल्फाज में एटम। इसने एक बात और बताई, ये जो लफ्ज एटम है इसका एक्चुअल में हमारे पास ओरिजिन है। हमारे पास लफ्ज एटम और इसका, उसके अगर हम लोग ओरिजिन की बात करें स्टूडेंट, तो उसका, इस एटम का ओरिजिन हमारे पास लेटिन लैंग्वेज है, और लेटिन लैंग्वेज से ये वर्ड हमारे पास ड्राइव हुआ है। लेटिन में जो वर्ड है इसके लिए वो एक्चुअल वर्ड एटोमॉस है, यानी एटोमॉस वो वर्ड है जिससे लफ्ज एटम ड्राइव हुआ है। और लव्स एटमॉस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? एटमॉस का मतलब हमारे पास है इनडिविजिबल, यानी ऐसा पार्टिकल जो डिवाइड नहीं हो सकता, मैटर का वो सबसे छोटा हिस्सा, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे टाइनी पार्टिकल जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, उसके बारे में ये बात बताई गई कि वो एटम है। अच्छा, ये सारी की सारी बातें हमारे पास बहुत ज़्यादा ओल्ड कॉन्सेप्ट हैं एटम के, ये याद रखिएगा। लेकिन क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो जाहिर है मुझे इंट्रोडक्शन में इस चीज़ को अच्छे से कवर भी करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो है इसको आप ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हमारे पास जिसकी जो थ्योरी है, यानी साइंटिफिक बैकग्राउंड की जो थ्योरी है, वो हमारे पास इंट्रोड्यूस्ड हुई 19th सेंचुरी के अंदर। और 19th सेंचुरी के अंदर हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जॉन डेल्टन। जॉन डेल्टन ने एक थ्योरी फॉरवर्ड करी और इस थ्योरी को कहा जाता है एटॉमिक थ्योरी। इस एटॉमिक थ्योरी के अंदर एटम को मजीद अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया गया और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को साइंटिफिक बैकग्राउंड और साइंटिफिक वेज में एक्सप्लेन किया गया। जॉन डेल्टन की जो थ्योरी थी वो कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स के ऊपर बेस करती थी, यानी बेसिक मेन पॉइंट्स के ऊपर बेस करती थी। उन मेन पॉइंट्स को हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास जो जॉन डेल्टन ने एटॉमिक थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई, उसके हिसाब से ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ, तमाम तरह के मैटर किस चीज से मिलके बने? ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल। यानी उसने भी यही बात करी कि हमारे पास जो एटम है, जो मैटर है, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। और ये जो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, दीज पार्टिकल्स आर नोन एज एटम।
इसके बाद हमारे पास इसने मजीद पोस्टुलेट्स भी इंट्रोड्यूस करवाए, लेकिन वो हम आपको जब अलग से इसका लेक्चर पढ़ाएंगे एटॉमिक थ्योरी ऑफ डेल्टन्स का, तो उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। बट हुआ क्या, ये सब बातें जो उसने बताई ये एक्चुअल में 19th सेंचुरी के अंदर है, और जब 20th सेंचुरी स्टार्ट होती है तो 20th सेंचुरी के इन द बिगनिंग यानी बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हुए, और वो एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट साइंटिस्ट ने परफॉर्म किए। मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ साइंटिस्ट के, इनकी तफसीलात आगे पता चलेंगी। एक का नाम है गोल्डस्टीन, ये बड़ा फेमस साइंटिस्ट है। इसी तरीके से एक और साइंटिस्ट है जे जे थॉम्सन, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रदरफोर्ड, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए भी, एंड देन नील बोहर। इन साइंटिस्ट ने मिल के बुनियाद डाल दी हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर की, और बहुत बेहतरीन तरीके से बुनियाद डाली और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और कुछ नॉलेज रिवील करी। इन्होंने ये बात रिवील कर दी कि हमारे पास जो एटम है वो एक्चुअल में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, बल्कि एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं एटम के अंदर, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। इनमें से कुछ के नाम हम लिख रहे हैं, कुछ के नाम नहीं लिख रहे, जैसे कि एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, एक का नाम है प्रोटॉन, और इसी तरीके से न्यूट्रॉन। यानी ये हमारे पास वो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जो हमें पता चले। फिर इस चैप्टर में क्या किया गया स्टूडेंट्स, इन तमाम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बड़ी तफसीलात समझाई गई हैं। आगे के लेक्चर में इंशाल्लाह हम उन तफसीलात के ऊपर बात करेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो डील करेगी एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर या एटॉमिक थ्योरी के ऊपर, और सबसे पहले जो हम थ्योरी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वो करेंगे जॉन डेल्टन की। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को शेयर करें। उम्मीद करते हैं ये बिल्कुल बुनियादी 9th क्लास तक के लेवल का इंट्रोडक्शन आपको पसंद आया होगा।